एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो स्वागत है आज के सेशन में आप सबका। AFCAT के लिए ऑल स्पोर्ट्स जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बिकॉज जीके के अंदर जो AFCAT के जीके के क्वेश्चन है उसमें स्पोर्ट्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको MCQ सीरीज में भी कराए हुए थे कुछ क्वेश्चन मैंने, जिसके अंदर स्पोर्ट्स कवर हुआ था, बट इस पूरे वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कवर करेंगे जो AFCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, आप मुझे यहाँ देख सकते हैं। आई एम एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून एंड IIMC दिल्ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने UPSC CDS क्लियर करा था, SSB क्लियर करा था और इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करे, जिसमें से IB इंटेलिजेंस ब्यूरो MHA एक है, एंड आई जो मेजर मेरा फोकस है वो जनरल स्टडीज, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस और SSB पर है, जिसके अंदर मेरे मोर देन 57 रिकमेंडेशंस है, प्लस 1500 सिलेक्शन इन AFCAT एंड CDS, जो इन बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ है। तो काफ़ी बच्चों को गाइड करा, और अब मूव करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर आप शौर्य विवेक चैनल पे नहीं है तो सबसे पहले, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी दोस्त आपके साथ डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, CDS, CAPF, AFCAT, NDA, उनको ज़रूर इस चैनल से जोड़ें। और टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स के साथ। तो सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो हम AFCAT के एग्जाम के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर वो कंट्री देता है और कंट्री के स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेता है इसका नेशनल स्पोर्ट्स कैसा है, या फिर कई बार वो स्पोर्ट्स देता है और नीचे कंट्री के चार ऑप्शन देता है और पूछता है इनमें से किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। ठीक है, इसमें से सॉरी वो स्पोर्ट्स दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी कंट्री का ये नेशनल स्पोर्ट्स है। तो कैनेडा का है आइस हॉकी, USA का है बेसबॉल, इंग्लैंड का है क्रिकेट, पाकिस्तान का है हॉकी, भूटान का है आर्चरी, भूटान वाला तो हमने क्वेश्चन भी करता, श्रीलंका का है वॉलीबॉल, रशिया का है चेस बैंडी, स्पेन का है बुल फाइटिंग, चाइना का है टेबल टेनिस और जापान का है सुमो रेसलिंग। एक बार फिर, कनाडा आइस हॉकी, USA बेसबॉल, इंग्लैंड क्रिकेट, पाकिस्तान हॉकी, भूटान आर्चरी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, रशिया का चेस बैंडी, स्पेन का बुल फाइटिंग, चाइना का टेबल टेनिस, जापान का सुमो रेसलिंग। और बुल फाइटिंग तो आपने देखा भी हुआ है, ठीक है, काफ़ी सारी मूवीज में भी देखा हुआ है, कनाडा आइस हॉकी, तो इन सबको ध्यान में रखना। USA में भी बेसबॉल बहुत पॉपुलर है। उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, ईरान का रेसलिंग, फ्रांस का फुटबॉल, इटली का फुटबॉल, स्कॉटलैंड का गोल्फ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, बांग्लादेश का कबड्डी है, नेपाल का वॉलीबॉल है, मॉरिशियस का फुटबॉल है, पोलैंड का फुटबॉल है, सर्बिया का फुटबॉल है, अफगानिस्तान का बुजकाशी है और टर्की का ऑयल रेसलिंग। तो दीज आर वेरी गुड, थोड़े यूनिक से हैं, ऐसे अफगानिस्तान का बुजकाशी, टर्की का ऑयल रेसलिंग, सर्बिया का फुटबॉल, पोलैंड का फुटबॉल, मॉरिशियस का फुटबॉल, तो इन तीनों का तो फुटबॉल है, मॉरिशियस, पोलैंड, सर्बिया, नेपाल का वॉलीबॉल है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, दैट इज हॉकी, ठीक है, ईरान का रेसलिंग, फ्रांस का फुटबॉल, इटली का फुटबॉल, स्कॉटलैंड का गोल्फ, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट और बांग्लादेश का कबड्डी। तो अगर हम अपने नेबर्स में देखें तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, बांग्लादेश कबड्डी और नेपाल वॉलीबॉल एकदम, अफगानिस्तान बुजकाशी जो मतलब हमारे पास में है इन कंट्री से ज़्यादा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा दूर है बट क्रिकेट में हमारा काफ़ी क्रिकेट हम इनके साथ काफ़ी खेलते हैं। और नियरेस्ट नेबर के अंदर अगर हम देखें तो भूटान का आर्चरी, पाकिस्तान का हॉकी, तो इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट है हॉकी। ओके, श्रीलंका का आप ध्यान में रखिएगा वॉलीबॉल, अगेन अ नेबर, चाइना का है आपका टेबल टेनिस, क्वेश्चन में आ सकता है टेबल टेनिस आ सकता है और आपका बैडमिंटन आ सकता है बट इनका टेबल टेनिस है, और जापान का सुमो रेसलिंग और टर्की का ऑयल रेसलिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है AFCAT के अंदर वो है कि वो नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछता है कि इस गेम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स है। क्रिकेट में आपके 11 प्लेयर होते हैं, बेसबॉल में आपके 9 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में आपके 11 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में आपके 7 प्लेयर होते हैं, खो खो में आपके 9 प्लेयर होते हैं, हॉकी में आपके 11 प्लेयर होते हैं, नेटबॉल में आपके 7 प्लेयर होते हैं, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, रग्बी में आपके 15 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 प्लेयर होते हैं, लैक्रोस में आपके 12 प्लेयर होते हैं और ब्रिज में आपके 2 प्लेयर होते हैं। तो मैं कम से कम इसे एक दो बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि एटलीस्ट जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक दो बार तो मेरे साथ रिपीट हो जाए। तो अब इस बार नीचे से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज में 2, लैक्रोस में 12, बास्केटबॉल में 5, रग्बी में 15, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, नेटबॉल में 7, हॉकी में 11, खो खो में 9, कबड्डी में 7, फुटबॉल में 11, बेसबॉल में 9, क्रिकेट में 11।
सो क्रिकेट 11, बेसबॉल 9, फुटबॉल 11, कबड्डी 7, खो खो 9, हॉकी 11, नेटबॉल 7, फुट पोलो 4, वाटर पोलो 7, वॉलीबॉल 6, रग्बी 15, बास्केटबॉल 5, लैक्रोस 12 एंड ब्रिज 2 प्लेयर्स। ठीक है, अब फील्ड एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, कई बार आपके सामने टर्म्स आते हैं और पूछ लेते हैं कि भैया ये टर्म्स कौन से गेम से एसोसिएटेड है। फिर दूसरा ये होता है कि किस जगह पर खेला जाता है, जैसे आप देखते हो जो क्रिकेट है वो स्टेडियम में खेला जाता है, ठीक है, तो ऐसे भी लिख कर आ सकता है क्रिकेट स्टेडियम कहाँ किस और कौन से गेम से एसोसिएटेड। हालांकि स्टेडियम तो बहुत कॉमन हो गया क्रिकेट में, जैसे पिच हो गई, तो पिच के ऊपर ही आपकी बैटिंग बॉलिंग होती है, तो इसी तरीके से पिच क्रिकेट से एसोसिएटेड है। डायमंड जो है आपका बेसबॉल से एसोसिएटेड है। टेबल टेनिस आप बोर्ड पे खेलते हो तो टेबल टेनिस बोर्ड बोर्ड इससे है। फील्ड आप पोलो फील्ड में खेला जाता है, फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है, हॉकी फील्ड में खेला जाता है, इसलिए हॉकी कहाँ खेला जाता है, फील्ड के अंदर। पोलो कहाँ जाता है, फील्ड में। फुटबॉल कहाँ है, फील्ड में। तो फील्ड, पोलो, फुटबॉल, हॉकी। सिमिलरली अरीना, ये आफकैट में हमने देखा भी होगा क्वेश्चन कि अरीना पूछते हैं वो, तो अरीना इज फॉर हॉर्स राइडिंग। रिंग आपका बॉक्सिंग के अंदर है, कोर्स आपका गोल्फ के अंदर है, और रिंक आपका आइस हॉकी और कर्लिंग के अंदर है। तो रिंक कहां पर है आपका, आइस हॉकी एंड कर्लिंग। ठीक है, तो पिच अगर आप देखेंगे क्रिकेट, डायमंड आप देखेंगे बेसबॉल, बोर्ड आप देखेंगे टेबल टेनिस, फील्ड आप देखेंगे पोलो, फुटबॉल, हॉकी, अरीना आप देखेंगे हॉर्स राइडिंग, रिंग आप देखेंगे बॉक्सिंग, कोर्स आप देखेंगे गोल्फ, रिंक आप देखेंगे आइस हॉकी एंड कर्लिंग। ठीक है, उसी तरीके से इसी क्रम में अगर आगे बढ़े, पूल तो आपको पता ही है, स्विमिंग पूल, स्विमिंग उसी से समझ में आ जाएगा, स्विमिंग। मैट में कर क्या, जूडो खेलते हैं, कराटे खेलते हैं और टाइकोंडो खेलते हैं, तो मैट, जूडो, कराटे, टाइकोंडो। ट्रैक की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स आपको पता है, ट्रैक इवेंट्स, अगर आपने शब्द सुना हो कि ट्रैक इवेंट्स हो रहे हैं, रेस जो होती है आपकी 100 मीटर 400 मीटर रेस, वो ट्रैक्स पर होती है। रेंज की अगर आप बात करेंगे तो शूटिंग रेंज, आर्चरी रेंज, ठीक है, आर्चरी मतलब वो जो धनुष बाण वाला गेम, अगर बहुत ही सिंपल भाषा में धनुष बाण, ठीक है, तो बट ये तो बहुत ही साधारण भाषा में समझाने के, बट आर्ची इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड गेम, सिंपल भाषा में आप इसे वो बो एंड एरो समझ सकते हैं। तो रेंज आपकी शूटिंग, आर्चरी, वेलोड्रोम आपका साइकिलिंग में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोड्रोम यूनिक नेम है, वेलोड्रोम जहां पर साइकिलिंग होती है, कोर्ट, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल। तो कोर्ट की अगर हम बात करें, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, नेटबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, खो खो कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, तो इनको ध्यान में रखना, जहां पर ये सारे गेम्स होते हैं कहां होते हैं, कोर्ट में। आर्चरी शूटिंग कहां होती है, रेंज में। साइकिलिंग कहां होती है, वेलोड्रोम में। स्विमिंग, पोलो, जूडो, कराटे, टाइकोंडो, मैट एंड एथलेटिक्स ऑन ट्रैक, इसलिए उनको ट्रैक इवेंट्स भी बोलते हैं। अब चलते हैं ओलंपिक्स। ओलंपिक्स तो वन ऑफ द फेवरेट एरिया रहा है आपके एफकैट का, जो आपके एथेंस वाले ओलंपिक्स वाला क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया, सामने वो लाइन भी है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बाई ग्रीक्स इन 776 BC इन ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड जूस। मॉडर्न डे ओलंपिक्स 1896 एथेन ग्रीस, 14 कंट्रीज टुक पार्ट। ये जो आप शुरू की दो स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये मल्टीपल टाइम्स आपको एफकेट के PYQs में मिल जाएगी। और 1896 में एथेंस में ओलंपिक्स हुए, पहला मॉडर्न डे ओलंपिक्स कौन से साल में हुआ, ये क्वेश्चन हमें रिपीटेटिवली एफकेट के जीके में देखा है, PYQs में देखा है, जो दो तीन बार पूछा गया है। तो 776 BC के अंदर इट वाज स्टार्टेड बाय ग्रीक्स इन ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड गॉड जूस। मॉडर्न डे ओलंपिक्स 1896 एथेन ग्रीस, 14 कंट्रीज टुक पार्ट। ओलंपिक सिंबल की अगर हम बात करें, पांच रिंग है आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो पांच रिंग है ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती है। जो आपका रेड है वो अमेरिका को दर्शाता है, ब्लैक आपका अफ्रीका को दर्शाता है, ब्लू आपका यूरोप, येलो आपका एशिया और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया। सो फाइव रिंग्स ईच कलर डिनोटिंग दी कॉन्टिनेंट। तो अगर हम देखेंगे, रेड हो गया आपका अमेरिका, ग्रीन हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक हो गया आपका अफ्रीका, येलो हो गया आपका एशिया और ब्लू हो गया आपका यूरोप। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो ब्लू रिंग होती है ओलंपिक्स के अंदर वो कौन सी कॉन्टिनेंट को है, रेड किसको है, तो रेड अमेरिका, ब्लू यूरोप, ब्लैक अफ्रीका, येलो एशिया, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक सिंबल इज फाइव रिंग्स। मॉडर्न डे ओलंपिक्स 1896 में हुए थे पहली बार, कहां पर हुए थे, एथेंस ग्रीस के अंदर। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। और ये ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे, इट वॉज स्टार्टेड, मॉडर्न डे ओलंपिक्स आपके 1896 में है,
अगर हम पुराने ओलंपिक्स में जाएं तो 776 बीसी में ग्रीक्स में ग्रीक में स्टार्ट हुआ था, बाय स्टार्टेड बाय ग्रीक्स इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड जूस। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 लॉसियाना स्विट्जरलैंड में है और इसके फाउंडर है पियर डी कॉबर्टन एंड डिमेट्रियोस। प्लीज रट के रखना ये पियर डी कॉबर्टन एंड डिमेट्रियोस, मल्टीपल एग्जाम से पूछा गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब स्थापित करी गई थी? 1894 लॉसियाना स्विट्जरलैंड। उसके बाद ओलंपिक्स का फ्लैग 1913 बाय बैरन पहली बार होस्ट कब हुआ था? 1920 बेल्जियम के अंदर होस्ट हुआ था। ओरिजिनल गोल्ड गिवन ओनली टिल 1912, 1912 तक पूरा पूरा ओरिजिनल ऑथेंटिक गोल्ड मिलता था। फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल वॉज के डी जाधव, कहाँ पर जीते थे? 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स। इंडिया फर्स्ट गोल्ड था हॉकी में 1928 एम्स्टरडम। फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड था अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग इन शूटिंग। और अब आपका 2020 जो ओलंपिक्स है उसमें भी गोल्ड जीता किसने? नीरव चोपड़ा साहब ने जीता। किसके अंदर जीता बताओ? ऑन वॉट गेम डिड ही विन दैट? दैट वॉज योर जैवलिन थ्रो। ठीक है, और उनके नाम पर जिस दिन उन्होंने जीता है वो आपका नेशनल जैवलिन डे भी बन गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। फ्लैग 1913 बाय बैरन फर्स्ट होस्टेड इन 1920 बेल्जियम। ओरिजिनल गोल्ड गिवन ओनली टिल 1912। फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल के डी जाधव, कब जीते थे? 1952 हेलसिंकी। इंडिया फर्स्ट गोल्ड हॉकी 1928 एम्स्टरडॉम। ठीक है, तो ओरिजिनल गोल्ड गिवन ओनली 1912। फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल के डी जाधव हेलसिंकी। इंडिया फर्स्ट गोल्ड 1928 एम्स्टरडॉम। फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग इन शूटिंग। और नीरज चोपड़ा साहब को भी जो 2021 ओलंपिक्स हुए थे, हालांकि वो एक्चुअल में 2020 ओलंपिक्स है, तो उनको 2021 7th ऑफ अगस्त को उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए अब से 7th ऑफ अगस्त को नेशनल जैवलिन थ्रो डे भी बोलते हैं या फिर नेशनल जैवलिन डे। इसको भी ध्यान रखना इस फैक्ट को। ठीक है, इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन 1900। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन ओलंपिक्स कर्णम मलेश्वरी 69 kgs, 69 kgs वेट लिफ्टिंग। जस्ट अ सेक गाइस। ठीक है, ओके, फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन 1900। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन ओलंपिक्स कर्णम मलेश्वरी 69 kgs कैटेगरी वेट लिफ्टिंग इन 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट गोल्ड इन ओलंपिक्स माइकल फ्लेप्स ने जीते हुए हैं आपके स्विमिंग में। माइकल फ्लेप्स कहां से? यूएस से है। ठीक है, ठीक है, फीमेल टू विन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड है लेरिना लैटिनिया जिम्नास्टिक्स में। विंटर ओलंपिक 2022 का है बीजिंग चाइना में, और आप देख ही रहे इसके ऊपर काफी बवाल मचा हुआ है। आपने देखा ही है कि चाइना जो अपना गलवान का सर्वाइवर है उससे टॉर्च लेकर जा रहा है, फिर वो आपने देखा भारत और चीन के पर इस पर काफी बवाल भी बचा, न्यूज में भी है ये। तो एनीवेज इसको हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन 1900 ओलंपिक्स, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था कर्णम मलेश्वरी 69 केजीस कैटेगरी वेट लिफ्टिंग इन 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट गोल्ड इन ओलंपिक्स माइकल फ्लेप्स के नाम पे हैं जो यूएस के स्विमर हैं। फीमेल टू विन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड है लैरिना लैटिनिया जिम्नास्टिक्स में जीते हैं, और विंटर ओलंपिक्स आपके 2022 बीजिंग चाइना में चल रहे हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की अगर हम बात करें, हालांकि ये ओलंपिक्स आपके 2021 में हुए थे, उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, यहाँ पर काफी फैक्ट्स हैं जो आपके AFCAD के लिए इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग सेरेमनी कब थी? 23 जुलाई, 23 जुलाई 2021। इंडिया मार्च एट द 21st September विद द बॉक्सर मेरी कॉम एंड मेन्स हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह एज फ्लैग बेयरर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया कौन से नंबर पे गई थी? 21वीं नंबर पे गई थी। हमारे फ्लैग्स को ओपनिंग सेरेमनी में कौन लेके जा रहा था? मैरी कॉम जो बॉक्सर है, और मेन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह एज फ्लैग बेयरर्स। मोटो क्या है आपका? था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। द वर्ड टुगेदर हैज बीन एडेड इन 2020। ठीक है, वर्ड टुगेदर हैज बीन एडेड इन 2020। टोटल मेडल्स वन बाय इंडिया वर 7। मैक्सिमम मेडल किसने जीते थे? यूएसए ने 113। मैस्कॉट क्या था? मिराइटोवा एंड सुमाइटी। तो आप इसको देख सकते हो, मिराइटोवा एंड सुमाइटी। ओके, तो दिस वाज अ हिस्टोरिक विन फॉर इंडिया, एज दिस वाज अ हिस्टोरिक विन फॉर इंडिया
एज दिस ईयर इंडिया हैज बैग्ड विद ओवरऑल 7 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज. इनको ध्यान में रखना आप, 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज. ठीक है, नीरज चोपड़ा साहब ने गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो, कितना था 87.58 मीटर. प्लीज डू रिमेंबर दैट, 87.58 मीटर्स गोल्ड जीता उन्होंने. टू ऑनर हिम 7th ऑगस्ट विल बी सेलिब्रेटेड एज जैवलिन थ्रो डे. मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है, ही इज द सेकेंड इंडिविजुअल टू विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स आफ्टर अभिनव बिंद्रा. अभिनव बिंद्रा ने कब जीता था, 2008 के अंदर जीता था. फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग इन शूटिंग. ठीक है, तो उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर जीता था. किस में जीता था, शूटिंग में, तो इसको ध्यान में रखना. और पहला इंडियन जिसने ओलंपिक मेडल जीता था, केडी जाधव साहब ने 1952 हेलसिंकी. और भारत ने पहला गोल्ड कप जीता था हॉकी में 1928 एम्स्टरडैम में, तो इनको ध्यान में रखना. ओके, ठीक है, तो चलते हैं आगे. एक मिनट, और ये भी आप ध्यान में रखना, मोटो ऑफ ओलंपिक्स. ठीक है, ये चेंज हो गया है. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप. टुडे नाउ इट इज फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड दिस टुगेदर जो आपने देखा है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर तो था ही, टुगेदर जो है दिस हैज बीन एडेड इन 2020. ओके, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर वाला पार्ट 2020 के अंदर एड कर दिया गया था. ओके, तो ऑन 20th ऑफ जुलाई द सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अप्रूव्ड अ चेंज इन द ओलंपिक मोटो दैट रिकॉग्नाइजिंग यूनिफाइंग पावर ऑफ द स्पोर्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडारिटी. द चेंज एड्स द वर्ड टुगेदर आफ्टर एन डैश टू फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, तो इसको ध्यान में रखना. ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट विच आई एम रीडिंग, ये भी आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर. ठीक है, और इसी चीज में मैं एक और भी बोलता हूँ, इसी चीज के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है विच आई वॉन्ट टू एड. पहले इसी चीज को आपके अंदर जो था, इसको हम ये भी बोलते थे CTS, Altius, मैं स्पेलिंग से लिख दूं, Altius, Fortius. तो CTS, Altius, Fortius थे जो थे आपके फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर. CTS था आपका, CTS, Altius, Fortius थे फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर. अब इसके अंदर टुगेदर वर्ड ऐड हो गया है, तो इसको ध्यान में रखना. ठीक है, एंड दिस वॉज कॉइंड बाय फादर हेनरी डिडॉन. ये जो आपका CTS, Altius, Fortius था, दिस वॉज कॉइंड बाय फादर, मैं लिख देता हूं फादर हेनरी डाइडन. ठीक है, फादर हेनरी डाइडन. ओके, एंड ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ डी कॉर्बेटन साहब, जो हमने पहले दिखा था. और इसको अडॉप्ट करा गया था 1894 बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. ठीक है, और 1896 में तो आपके एथेंस में गेम्स ही हो गए थे. तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, CTS, Altius, Fortius, फादर हेनरी डाइडन थे, क्लोज फ्रेंड थे आपके डी कॉबेटन से आपके, और इसको अडॉप्ट करा गया था 1894 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में. और इसके अंदर टुगेदर वर्ड जो है आपका वो 2021 के अंदर चेंजेस करे गए और इस टुगेदर वर्ड को ऐड कर दिया गया था. ठीक है, ओके, सो गुड फैक्ट्स. अब चलते हैं आगे. हॉकी के अंदर आप बात करें, इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर 41 ईयर्स बाय विनिंग द ब्रॉन्ज इन टोक्यो ओलंपिक्स. और काफ़ी शानदार और भावुक परफॉर्मेंस था ये भारतीय हॉकी टीम का, क्योंकि तरस गई थी हमारी हॉकी टीम एक मेडल के लिए. हालांकि हमने गोल्ड नहीं जीता, सिल्वर नहीं जीता, बट ये परफॉर्मेंस भी उनकी शानदार थी. एंड आई एम वेरी ऑनेस्टली फील दैट इन द कमिंग ओलंपिक्स हम हॉकी में फिर से राइज करेंगे. एंड 41 ईयर्स के बाद फाइनली हॉकी में हमें एक ब्रॉन्ज देखने को मिला, जो मतलब हॉकी की आगे चल के किस्मत को डेफिनेटली और बेटर करेगा ही करेगा. दिस इज अ ग्रेट बूस्टर फॉर आर हॉकी टीम. बॉक्सिंग के अंदर आपकी बॉक्सिंग के अंदर बॉक्सर लवलीना बोरगोहन वन ब्रॉन्ज मेडल इन विमेन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग. ठीक है, रेसलिंग के अंदर रवि दहिया एंड बजरंग पुनिया ऑल्सो फॉट वेरी टफ फॉर द सिल्वर मेडल इन मेन्स 51 kg रेसलिंग एंड ब्रॉन्ज मेडल इन मेन्स फ्री स्टाइल 65 kg रिस्पेक्टिवली. तो रवि दहिया साहब और बजरंग पुनिया साहब ने काफी टफ फाइट दी सिल्वर मेडल के लिए इन मेन्स 51 7 kg रेसलिंग एंड ब्रॉन्ज मेडल इन मेन्स फ्री स्टाइल 65 kg रेसलिंग रिस्पेक्टिवली.
और बॉक्सर लवलीना ऑल्सो गॉट ब्रोंज मेडल इन दी बॉक्सिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी श्रेय के अंदर, अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू विंस सिल्वर एज इंडिया गेट्स द फर्स्ट मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये भी पूछा जाता है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत के लिए सबसे पहला मेडल किसने जीता, वो आपकी मीराबाई चानू है। तो मीराबाई चानू वन इंडिया फर्स्ट मेडल एट 2020 ओलंपिक्स आफ्टर क्लिंचिंग सिल्वर इन वुमेन्स 49 kg इवेंट ऑन 31 जुलाई 2021। दिस इज इंडिया फर्स्ट एवर सिल्वर इन वेट लिफ्टिंग एट ओलंपिक्स। तो काफी सारे रिकॉर्ड टूटे आपके इस बार के ओलंपिक्स के अंदर। बैडमिंटन में एज बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु क्लिंचेस द ब्रोंज मेडल फॉर इंडिया आफ्टर डिफीटिंग चाइनाज ही बिंग जाओ। दिस वॉज अ हिस्टोरिक विन फॉर इंडिया एज दिस ईयर इंडिया हैज बैग्ड ओवरऑल 7 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रोंज। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर एफकैट के एग्जाम के अंदर। ओके, तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट मेडल इन 2020 ओलंपिक्स किसने जीता, मीराबाई चानू ने जीता। ओके, इन वेट लिफ्टिंग बैडमिंटन के अंदर पीवी संधू को ब्रोंज मिला और टोटल 7 मेडल थे हमारे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। ठीक है, 2024 समर ओलंपिक्स आपके कहाँ पर होंगे, पेरिस के अंदर होंगे एंड ऑल द वे आउट इन 2028 लॉस एंजलिस विल प्ले द होस्ट। तो 2024 में कहाँ पर है आपके समर ओलंपिक्स, पेरिस के अंदर है। ठीक है, 2028 के कहां पर है, लॉस एंजलस में है यूएस, पेरिस फ्रांस। ठीक है, फर्स्ट समर पैरालंपिक्स कब हुए थे, 1960 रोम में। फर्स्ट विंटर पैरालंपिक्स कब हुए थे, 1976 स्वीडन में। अफ्रीका हैज नेवर होस्टेड ओलंपिक्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ओलंपिक्स फ्लेम जो है आपकी 1928 एम्स्टरडेम से है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओलंपिक टॉर्च 1936 बर्लिन से है, जो आपने देखा होगा लोग टॉर्च लेके चलते हैं, दौड़ते हैं और फ्लेम के अंदर आके लगाते भी हैं। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दीज। ओके, तो फर्स्ट समर पैरा ओलंपिक्स 1960 रोम। ठीक है, फर्स्ट समर पैरा ओलंपिक्स 1960 रोम, फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक्स 1976 स्वीडन। अफ्रीका हैज नेवर होस्टेड ओलंपिक्स, ओलंपिक फ्लेम 1928 एम्स्टरडम, ओलंपिक टॉर्च 1936 बर्लिन। ठीक है, इसको हम यहां से भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरी क्लैरिटी रहे इसके ऊपर हमको, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो इंडिया बेस्ट एवर मेडल टैली एट ओलंपिक्स, नीरज चोपड़ा जिन साहब को आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मेंस जैवलिन थ्रो में गोल्ड, मीराबाई चानू को आपके वेटलिफ्टिंग में मिला सिल्वर, रवि दहिया को मिला है सिल्वर रेसलिंग के अंदर, उसके बाद पीवी संधू को मिला है बैडमिंटन, सिंधु मैम। ठीक है, बजरंग पुनिया रेसलिंग में ब्रोंज मिला है, लवलीना बोरगेन बॉक्सिंग में ब्रोंज मिला है, इंडियन हॉकी टीम को मेंस हॉकी में ब्रोंज मिला है। ठीक है, तो बॉर्गेन की स्पेलिंग हाँ सही लिखी हुई है, स्पेलिंग मैंने कहा एक बार चेक कर लो। तो नीरज चोपड़ा, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम सॉरी अबाउट इट, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेंस जैवलिन, मीराबाई चानू सिल्वर वेट लिफ्टिंग, रवि दहिया सिल्वर रेसलिंग, पीवी संधू बजरंग पूनिया लवलीना बॉर्गेन ब्रोंज 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 फॉर बैडमिंटन रेसलिंग बॉक्सिंग रिस्पेक्टिवली, और इंडियन हॉकी टीम को 41 ईयर्स बाद ब्रोंज मिला। तो दीज आर द 7 जो हमारे टोटल मेडल्स आए हैं, ध्यान में रखना है इनको। अब चलते हैं आपके अगले गेम की तरफ, दैट इज योर कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपके जो है 2022 के कहाँ पर होने वाले हैं, बर्मिंगम में होने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली, और यूके में होने वाले हैं आपके, बर्मिंगम के अंदर। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, ये एफ कैट में काफी बार पूछा गया है। फर्स्ट हेल्ड इन हैमिल्टन कैनेडा 1930, प्लेड अमंग ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज। इंडिया का पहला पार्टिसिपेशन कब हुआ था, 1934 लंदन के अंदर। इंडिया होस्टेड द गेम्स इन 2010 एट दिल्ली, जो लास्ट हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो हमने होस्ट करे थे 2010 दिल्ली में हुए थे। इट वॉज इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम्स टू डेट, विद इंडियन एथलीट्स विनिंग 38 गोल्ड 27 सिल्वर एंड 36 ब्रोंज मेडल, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉक्स फैक्ट्स, पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ है हैमिल्टन कनाडा में 1930 में, ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज इसके अंदर खेलती है। उसके बाद प्लेड अमंग द ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज, फर्स्ट इंडिया का पहला पार्टिसिपेशन 1934 लंदन में, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस हुआ है 1934 में।
इंडिया होस्टेड द गेम्स इन 2010 एट दिल्ली, और वो अभी तक की हमारी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, जिसमें हमने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होस्टेड बाय, सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सी कंट्री में हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। ओके, 2018 गेम्स आपके कहाँ हुए थे? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। 2022 आपका बर्मिंगम में हो रहा है, ठीक है। At the 2018 Commonwealth Games, India ended its campaign with a total of 66 medal. इसमें हमने 26 gold, 20 silver और 20 bronze जीते थे। India with an overall total of 503 medals, 181 gold, 173 silver, 149 bronze is ranked fourth at the all-time Commonwealth Games medal table. तो अभी तक का अगर हम टोटल इंडिया की टैली देखें और टोटल इंडिया की रैंक देखें तो हम चौथे स्थान पर आते हैं, जिसमें 181 गोल्ड, 173 सिल्वर और 149 ब्रॉन्ज है। इंडियाज फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ मेडल वॉज वन बाय राशिद अनवर, हु वन अ ब्रॉन्ज इन द कैटेगरी ऑफ रेसलिंग इन 1934। तो इंडियाज फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ मेडल वॉज वन बाय राशिद अनवर, हु वन अ ब्रॉन्ज इन कैटेगरी ऑफ रेसलिंग इन 1934, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया का पहला कॉमनवेल्थ गेम किसने जी मेडल किसने जीता था, दैट वॉज राशिद अनवर, जो उन्होंने जीता रेसलिंग में 1934, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला फैक्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमने देखा था कहाँ गया, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट विन टू विन ओलंपिक मेडल केडी जादव 1952 हेलसिंकी, इसको ध्यान में रखना। ओके, नीरज, ये हमने कर लिया। नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन जैवलिन थ्रो एट कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंगम इंग्लैंड के अंदर हो रहे हैं। मैस्कोट ऑफ 2022 है पेरी द बुल, ये तो आपको दिख रहा है, पेरी द बुल, ये है आपका मैस्कोट कॉमनवेल्थ गेम्स का, ठीक है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो बर्मिंगम इंग्लैंड में खेले जाएंगे। ओके, और ठीक है, तो नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन जैवलिन थ्रो एट कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन जैवलिन थ्रो, और यही सेम कारनामा में उन्होंने ओलंपिक्स में भी कर दिया, टू विन गोल्ड, द फर्स्ट गोल्ड इन जैवलिन फॉर इन दी ओलंपिक गेम्स। हालांकि गोल्ड की अगर हम बात करें तो आपके अभिनव बिंद्रा को पहले मिला था शूटिंग के अंदर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगली क्वेश्चन ही अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो आपका एशियन गेम्स, ठीक है। तो फर्स्ट हेल्ड इन 1951 इंडिया में हुए थे, इंडिया होस्टेड सेकेंड टाइम इन 1982। तो पहला हमने करा 1951, दूसरा हमने करा 1982। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 1951, एग्जैक्टली हमने 31 ईयर्स बाद दूसरा करा था, ठीक है। एशियन गेम्स फेडरेशन ने अडॉप्ट करा था इवन ऑनवर्ड एज द मोटो गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका मोटो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, एवर ऑनवर्ड्स, और इसको एशियन गेम्स फेडरेशन ने अडॉप्ट करा था। मैक्सिमम टाइम्स किसने होस्ट करा है एशियन गेम्स को? बैंकॉक थाईलैंड, सबसे ज़्यादा होस्ट करा है आपके थाईलैंड ने, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स को सबसे ज्यादा होस्ट किसने करा है? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। एशियन गेम्स 2018 जकार्ता पैलिंगबैंग इंडोनेशिया। चाइना हैज टॉप्ड मेडल टैली 10 टाइम्स। 19th एशियन गेम 2022 हैंगझाओ ज़िजियांग चाइना में है, ठीक है। मैस्कोट ऑफ 2022 कॉन्ग कॉन्ग मोटो हार्ट टू हार्ट। तो और इंपॉर्टेंट फैक्ट, एशियन गेम 2018 हुए थे आपके जकार्ता पैलिंगबैंग इंडोनेशिया में, उसके अंदर चाइना ने टॉप करी थी मेडल, चाइना है टॉप मेडल टैली टाइम्स, ठीक है। तो 10 बार चाइना एशियन गेम्स के टॉप पे रहा है, नंबर वन पोजीशन पे। 19th एशियन गेम्स 2022 आपके हैंगझाओ चाइना के अंदर है। मैस्कॉट है इसका है कॉन्ग कॉन्ग, और इसका मोटो है हार्ट टू हार्ट। होपफुली चाइनी एक्चुअली हार्ट टू हार्ट होते तो बहुत अच्छी बात थी, बट एनीवेज मैस्कॉट तो यही है। ओके, फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट ओलंपिक्स सचिन नाग, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट ओलंपिक्स सचिन नाग 100 मीटर फ्री स्टाइल,
ये फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट ओलंपिक्स नहीं है, सॉरी ये आपकी एशियन गेम्स की बात हो रही है, स्लाइड में गलत आ गया, एशियन गेम्स। ठीक है, आई बेग योर पार्डन, एशियन गेम्स है। तो फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट एशियन गेम्स, सचिन नाग 100 मीटर फ्री स्टाइल 1951। फर्स्ट इंडियन विम टू विन मेडल इन एशियन गेम्स, कमलजीत संधू 400 मीटर्स रेस बैंकॉक 1970। फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन विमेन्स हेप्टाथलॉन, स्वप्ना बर्मन 2018। फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन गोल्ड, एमसी मैरीकॉम 2015। मिल्खा सिंह गोल्ड मेडल इन 200 मीटर एंड 400 मीटर रेस इन 1958। ये हम जितनी भी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एशियन गेम्स की। ठीक है, एशियन गेम्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट एशियन गेम्स, सचिन नाग 100 मीटर फ्री स्टाइल। फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन एशियन गेम्स, कमलजीत संधू 400 में। फर्स्ट इंडियन विमेन, आई बेग योर पार्डन, 400 मीटर रेस बैंकॉक 1970। पहला गोल्ड विमेन हेप्टाथलॉन में स्वप्ना बर्मन 2018। इंडियन बॉक्सर टू विन गोल्ड, एमसी मैरीकॉम 2014। मिल्खा सिंह गोल्ड मेडल इन 200 मीटर एंड 400 मीटर इन 1958। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम्स के ऊपर, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। विजार्ड ऑफ हॉकी हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद साहब को। पीटी उषा काफी बार पूछा गया है, पावेली एक्सप्रेस भी बोलते हैं, ओडन परी भी बोलते हैं, गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं, एशिया स्प्रिंट क्वीन भी बोलते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, ठीक है, मैरी कॉम सुपर मॉम भी बोलते हैं, मैग्निफिसेंट मेरी भी बोलते हैं, लियांडर पेस को हम पॉकेट डायनामो भी बोलते हैं। तो विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, पीटी उषा में हमको पायोली एक्सप्रेस, उड़न परी, गोल्डन गर्ल, एशिया स्प्रिंट क्वीन, मिल्खा सिंह सर को फ्लाइंग सिख, लेट मिल्खा सिंह सर, मैरी कॉम को सुपर मैम, सुपर मॉम, मैग्निफिसेंट मेरी, लियांडर पेस को पॉकेट डायनामो। ओके, सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर, प्रिंस ऑफ कैलकटा बोलते हैं, विश्वनाथन आनंद को विशी द लाइटनिंग किड भी बोलते हैं, राहुल द्रविड़ द वॉल जैमी बहुत पॉपुलर है, बहुत एग्जाम में पूछा गया, वॉल जैमी राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह को द टर्बिनेटर, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, माइकल फ्लिप्स को फ्लाइंग फिश, जैसे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह साहब को बोलते हैं, फ्लाइंग फिश आपके माइकल फ्लिप्स, तो फिश हो गया तो फ्लिप्स हो गया, और सिख हो गया तो मिल्खा सिंह साहब हो गए। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर, सौरव गांगुली बंगाल टाइगर, प्रिंस ऑफ कैलकटा, विश्वनाथन आनंद विशी लाइटिंग किड, राहुल द्रविड वॉल जैमी, हरभजन सिंह टर्बिनेटर, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, माइकल फ्लिप्स फ्लाइंग फिश, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर सनी, एम एस धोनी को माही, विराट कोहली को चीकू, वीरेंद्र सहवाग वीरू, नवाब ऑफ नजफगढ़, सुल्तान ऑफ मुल्तान, अनिल कुंबले जंबो। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर सनी, एम एस धोनी माही, विराट कोहली चीकू, वीरेंद्र सहवाग वीरू, नवाब ऑफ नजफगढ़, सुल्तान ऑफ मुल्तान भी बोलते हैं सहवाग साहब को, और अनिल कुंबले को जंबो। ठीक है, अब आते हैं हम क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्रिकेट के अंदर मैका ऑफ क्रिकेट हम किसको बोलते हैं, मैका ऑफ क्रिकेट वो है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है आपका लंदन के अंदर, मैका ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन। फर्स्ट टेस्ट मैच प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एट मेलबोर्न 1877। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, तो 1877 में खेला गया था मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर, और आज भी इनके अंदर एक फेमस टेस्ट सीरीज चलती है जिसको हम बोलते हैं एशेज टेस्ट सीरीज। ठीक है, फर्स्ट ओडीआई मैच की अगर हम बात करें, पहला वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई का फुल फॉर्म होता है ओडीआई, वन डे इंटरनेशनल, जो करंटली आपका 50 ओवर्स का जो मैच होता है। ठीक है, 50 ओवर्स ऑन ईच साइड, तो बेसिकली 100 ओवर का मैच हो गया आपका, 50 ओवर एक साइड को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन की सारी वेदर कंडीशन सही रहे, ठीक है, तो नहीं तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। द फर्स्ट ओडीआई मैच 1971 बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इन मेलबोर्न। तो आपके लिए आसान ये है कि पहला टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में था, और पहला ओडीआई मैच भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में था। ठीक है, पहला टेस्ट मैच भी मेलबोर्न में था, पहला ओडीआई मैच भी मेलबोर्न में था, एक 1877 एक 1971। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका 1975 में हुआ था लंदन में, और ये वेस्ट इंडीज ने जीता था। फर्स्ट टेस्ट मैच वर्ल्ड कप आपका 2019 में हुआ था। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 लंदन, वेस्ट इंडीज वन इट। फर्स्ट टेस्ट मैच वर्ल्ड कप 2019। ओके,
इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 1983 अंडर कैप्टन कपिल देव साहब, और 2011 के अंदर अंदर महेंद्र सिंह धोनी। फर्स्ट सेंचुरी इन T20 बनाई थी क्रिस गेल ने फ्रॉम वेस्ट इंडीज। मोस्ट सेंचुरीज इन वर्ल्ड कप, सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी है? रोहित शर्मा की। फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम कौन है? सीके नायडू। ठीक है, इनके नाम पे सीके नायडू ट्रॉफी भी है। ओके, फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 इंग्लैंड। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी क्या है? दुबई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरीज किसने बनाई है? रोहित शर्मा। फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम सीके नायडू। फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 इंग्लैंड। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी दुबई। ठीक है, तो कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम सीके नायडू। फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम सीके नायडू साहब, इनके नाम पे सीके नायडू ट्रॉफी भी है। फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 इंग्लैंड। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी। और यहाँ पर रोहित शर्मा वाला एक और फैक्ट है कि 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर ही हैज गॉट द मोस्ट कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन सिंगल वर्ल्ड कप। ठीक है, तो 2019 के वर्ल्ड कप में सिंगल हैंडेडली इनकी सबसे ज्यादा सेंचुरीज है। ठीक है, एंड ही हैज बेसिकली स्कोर्ड कितनी सेंचुरीज अगर पूछी, इन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के अंदर 5 सेंचुरीज बनाई थी। तो ये फैक्ट भी अगर आए तो याद रखना। ठीक है, उसके बाद टर्मिनोलॉजी जो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, बीमर, बेल्स जो विकेट के ऊपर रखी रहती है, डॉली, एज, मेडन ओवर जिसमें कोई रन ना जाए, पावर प्ले, अपील, LBW। LBW इज लेग बिफोर विकेट, कि आपने भैया बॉल विकेट पे जा रही थी, अपने पैर से अड़ा के उसे रोका है। बाइज, गली, डकवर्थ लुइस सिस्टम जो बेसिकली रेन वगैरह हो जाती है तो यूज करते हैं, गूगली, हैट्रिक, एशेज, वही जो मैं बात करता है इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यॉर्कर, सिली, हुक, गोल्डन डक एंड रफ। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एसोसिएटेड विद क्रिकेट इज देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी, विजय अवार्ड्स एंड बेसिकली जो टूर्नामेंट्स है उसकी बात करी आ रही है, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, एशेज कप, शीश महल ट्रॉफी, सी के नायडू में बात ही कर रहा था, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी एंड विल्स ट्रॉफी। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी इज इंडो ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज होती है, इंडो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है आपकी। उसी तरीके से आपके T20 वर्ल्ड कप्स हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्रिकेट, चैंपियन जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है। और महेंद्र सिंह धोनी इज द ओनली कैप्टन ऑफ इंडियन टीम जिसने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है और वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर धोनी साहब के पास एक यूनिक चीज है। ठीक है, उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों चीजें जीती हुई है। ठीक है, आते हैं फुटबॉल के ऊपर, फुटबॉल से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, रोवर्स कप, बेगम हजरत महल, कोलंबो कप, विट्टल ट्रॉफी, सुब्रोटो मुखर्जी जो इंडियन एयरफोर्स से थे, सुब्रोटो मुखर्जी कप, संजय गोल्ड कप, सीजर्स कप, कलिंगा कप, निजाम गोल्ड कप, डूरांड कप, ग्रे कप, बीसी रॉय कप, यूएफा चैंपियंस लीग, लीग एंड फीफा। ठीक है, और एक आपका EPL भी हो जाएगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, और आई थिंक बुंडस लीगा भी है आपकी, वो भी इसी से एसोसिएटेड है फुटबॉल से। ठीक है, जो लीग है आपकी, तो रोवर्स कप, बेगम हजरत महल, कोलंबो कप, विट्टल ट्रॉफी, सुब्रोटो मुखर्जी, संजय गोल्ड कप, सीजर्स कप, कलंगा कप, निजाम गोल्ड कप, डूरांड कप, ग्रे कप, बीसी रॉय कप, यूएफए चैंपियंस लीग, फीफा, बुंडसलीगा, यूरोज। ठीक है, वेरी फेमस फॉर फुटबॉल। ओके, उसके बाद फीफा जो है आपका, फीफा वर्ल्ड कप वो हर 4 साल में होता है। हेडक्वार्टर ऑफ फीफा है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। ब्राजील ने मैक्सिमम टाइम वर्ल्ड कप जीता है, 1, मैक्सिमम टाइम्स 5, एंड उन्होंने हर वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करा है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, फीफा 2022 का आपका कतार के अंदर होगा और 2026 का USA, कनाडा, मेक्सिको में होगा। तो इस साल आपका फीफा का वर्ल्ड कप होगा 2026 में कतार के अंदर, और 2022 का आपका कतार के अंदर, और 2026 का US, कनाडा, मेक्सिको होस्ट करेंगे। और इस साल आपका 2022 के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी है। ठीक है, अक्टूबर एंड में स्टार्ट हो जाएगा ये T20 वर्ल्ड कप भी है इस साल आपका, जैसे लास्ट ईयर भी था आपका। ओके, तो फर्स्ट हेल्ड इन 1930 फीफा की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हेल्ड इन 1930 उरुग्वे एंड वन बाय उरुग्वे। तो 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, उरुग्वे में ही हो रहा था, उरुग्वे आपका होस्ट था और उन्होंने ही जीता। फीफा 2018 आपका कहां पर हुआ था? रशिया उसका होस्ट था। ओके, तो टर्मिनोलॉजीज। और हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, ये किसने जीता था, एक मिनट,
तो ये आपका जीता था फ्रांस ने, एंड फ्रांस ने किसको हराया था फाइनल में, क्रोएशिया को हराया था, और ये फ्रांस ने दूसरी बार जीता था आपका फीफा वर्ल्ड कप। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा कि 2018 में रशिया में हुआ था कप, इसको जीता किसने था, फ्रांस ने जीता था, किसको हरा के जीता था, क्रोएशिया को हरा के जीता था। ओके, और तीसरे और चौथे स्थान पे आपके बेल्जियम और इंग्लैंड आए थे। तो डू रिमेंबर दिस, अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो आपका फ्रांस ने जीता है लास्ट आपका वर्ल्ड कप। उसके बाद टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद फुटबॉल को भी देख लेते हैं आपकी, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, बेस लाइन, बिग, कोमा डिफेंडर, ड्रिबल, फाउल, फ्री किक, गोल, हैंडबॉल, हैट्रिक, हेड, लेफ्ट आउट, मूव, ऑफसाइड, पास, पेनल्टी, पेनल्टी किक, रीबाउंड, राइट आउट, साइड बैक, स्टॉपर, थ्रो इन, ड्रॉप किक। तो टर्मिनोलॉजीज, बेस लाइन, बिग, कॉमा डिफेंडर, ड्रिबल, फाउल, फ्री किक, गोल, हैंडबॉल। अगर आपने फुटबॉल खेला हुआ है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये वैसे ही याद हो जाएंगे। साइड बैक, राइट राइट आउट, स्टॉपर, थ्रो इन, ड्रॉप किक, ओके, डिफेंडर, ठीक है। तो जितना मुझे अभी याद आ रहा है फुटबॉल से, कि सेंटर फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड प्लेयर हो गए, आपके ऊपर दिए हुए हैं आपके कॉमा डिफेंडर एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं हम टेनिस के ऊपर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कप्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद टेनिस, डेविस कप एग्जाम में पूछा गया है, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, हाइकिनेन कप, स्टीवंस कप, हॉपमैन कप। टर्म, स्मैश, सर्विस, बैकहैंड ड्राइव, एलईडी, लेट, एडवांटेज, डूस, डबल फॉल्ट एंड ड्रॉप शॉट। तो कप्स एंड ट्रॉफीज, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, हाइकिनेन कप, स्टीफन कप, हॉपमैन कप। टर्म, स्मैश, सर्विस, बैक एंड ड्राइव, लेट, एडवांटेज, डूज, डबल फॉल्ट एंड ड्रॉप शॉट। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका पहली बार हुआ था 1905 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका पहली बार हुआ 1905 के अंदर। ओके, प्लेक्सी कुशन आज की डेट में कौन सी किस चीज पर होता है, मतलब किस पे खेला जाता है, प्लेक्सी कुशन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और 2021 के विनर्स कौन थे, जोकोविच ऑफ सर्बिया डिफीटेड, सॉरी जोकोविच आपके मेल में थे और एन ओसाका आपकी जापान में विनर थी। ये तो ये विमेन है और ये मेल है, ठीक है। फ्रेंच ओपन आपका 1891 में स्टार्ट हुआ, किस पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है आपका, ठीक है। ओके सॉरी, ये ऑपोजिट है, ठीक है। फ्रेंच ओपन आपका क्ले में खेला जाता है, विंबलडन आपका ग्रास में खेला जाता है, ठीक है, उल्टा हो गया है ये, इधर इधर है। तो ग्रास ऑन विंबलडन एंड क्ले ऑन फ्रेंच। तो फ्रेंच ओपन क्ले में 2021 में नोवाक जोकोविच सर्बिया ने जीता था ये, और फीमेल में बारबरा क्रेशिकोवा ऑफ चेक रिपब्लिक वन इट। विंबलडन ओपन आपका 1871 से स्टार्ट हुआ और ये ग्रास कोर्ट में खेलाता है, काफी पुराना और हिस्टोरिक है ये आपका। ओके, तो नोवाक जोकोविच ने सर्बिया ने जीता 2021 में, और फीमेल्स में आपके एशलेक बार्टी ने जीता ऑस्ट्रेलिया से। यूएस ओपन आपका 1881 का है, तो ये आपके हार्ड कोर्ट पे खेलाता है, डेको टर्फ पर। और 2021 में डैनियल मेडवेडीव रशिया वन इन मेल्स, एंड एमा रैडुकैनो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वन इन फीमेल्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, अगर हम इस हिसाब से चले तो आपका सबसे पुराना है विंबलडन, विंबलडन के बाद है आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, उसके बाद है आपका यूएस ओपन, और फिर है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सबसे पुराना आपका विंबलडन है, फिर है आपका फ्रेंच ओपन है, उसके बाद आपका यूएस ओपन है, और फिर है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक चीज और को ध्यान में रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लेक्सी कुशन कोर्ट, विंबलडन आपका क्ले में खेला जाता है, ठीक है, सॉरी फ्रेंच ओपन आपका क्ले में खेला जाता है, विंबलडन आपका ग्रास में खेला जाता है। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे सही कर दूं मैं, तो दिस इज क्ले, दिस इज ग्रास, ठीक है। और यूएस ओपन आपका डेको टर्फ हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। ओके, और एक दो हम 2022 के भी विनर्स को देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर हम 2021 के भी देख लेते, 2022 का भी देख लेते हैं हम, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो राफेल नदाल एंड एशलिक बार्टी वन दी मेन सिंगल्स एंड वुमेन सिंगल्स टाइटल्स रिस्पेक्टिवली ऑफ 2022। नडाल क्लेम्ड इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21st मेजर टाइटल बाय डिफीटिंग डेनिल मेडवेडीव इन द फाइनल। तो ये 2022 का हो गया, 2021 के हमने पिछली स्लाइड पे विनर्स देख लिए थे,
तो अब आपका 2022 भी कवर हो गया, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। एक कॉमन सवाल हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड स्लैम आइटनरी में क्या क्या आता है, तो ग्रैंड स्लैम में क्या कौन से होते हैं, और इनको ऑर्डर भी एक बार पूछ लेते हैं। सो ग्रैंड स्लैम आइटनरी कंसिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी में होता है, इसीलिए अभी तक आपके पास सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपके आठ तक अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच ओपन भी आपका खत्म हो चुका होगा और विम्बलडन भी आपका खत्म हो चुका होगा, सिर्फ यूएस ओपन बचा होगा। यूएस ओपन भी अगस्त सितंबर में होता है, तो अगर वो भी डिपेंड करेगा कि आपका जो AFCAT है वो अगस्त में कब आ जाता है। अगर मिड अगस्त या एंड ऑफ अगस्त या सितंबर में पता चला यूएस ओपन के भी पूरे रिजल्ट आ गए, बट ये तीन तो खत्म हो चुके होंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विम्बलडन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मिड जनवरी, फ्रेंच ओपन ऑल्सो नोन, इसको हम रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन को किस और नाम से बुलाया जाता है, तो रोलैंड गैरोस, और ये क्ले पे खेला जाता है। फॉर्म अराउंड लेट मई टू अर्ली जून, विम्बलडन जून जुलाई एंड यूएस ओपन इन ऑगस्ट सेप्टेम्बर। ईच टूर्नामेंट इज प्लेड ओवर अ 2 वीक पीरियड, अराउंड 14 डेज। इसी चीज को मैंने एक स्लाइड में भी डाल दिया है। फर्स्ट अप वी हैव द ट्रेडिशनल ग्रैंड स्लैम्स, द टर्म ग्रैंड स्लैम रेफर्स टू विनिंग ऑल फोर, ये भी पूछता है ग्रैंड स्लैम विनिंग क्या है, फिलिंग ऑल फोर मेजर टेनिस चैंपियनशिप विद इन अ सिंगल कैलेंडर सीजन, बट समटाइम्स द फ्रेम ग्रैंड स्लैम इज यूज टू रेफर टू एनी ऑफ द मेजर चैंपियनशिप सेपरेटली। हालांकि ग्रैंड स्लैम अगर हम टोटालिटी में देखें तो चारों चैंपियनशिप को बोलते हैं, बट कई बार हम इनको कोलाक्वियल लैंग्वेज में सिंगल भी यूज कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मिड जनवरी, फ्रेंच ओपन फ्रॉम लेट मई टू अर्ली जून, विम्बलडन जून टू जुलाई, यूएस ओपन अगस्त टू सेप्टेम्बर। तो सर्टन फैक्ट्स रिगार्डिंग टेनिस यहाँ पर हमारे कवर हो जाते हैं। अब आते हैं हम हॉकी की तरफ। तो फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, 1971 स्पेन के अंदर। पाकिस्तान वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप किसके अगेंस्ट, स्पेन के अगेंस्ट। तो पहला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता, पाकिस्तान ने, हुआ होस्ट कंट्री कौन थी, स्पेन, 1971 में पाकिस्तान डिफीटेड देम। ठीक है, कंट्री वन मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन हॉकी ओलंपिक्स में किसने जीते, इंडिया ने 8 गोल्ड जीते हुए। इंडियाज गोल्ड इन वर्ल्ड कप पहली बार कब था, 1975 अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इंडियाज गोल्ड इन वर्ल्ड कप 1975 अगेंस्ट पाकिस्तान। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां पर खेला जाएगा, हमारे प्यारे उड़ीसा में खेला जाएगा। तो पहला हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन में हुआ, जिसको स्पेन को पाकिस्तान ने हराया। कंट्री जिसने मैक्सिमम गोल्ड जीते हुए हॉकी के अंदर वो हमारे पास है, 8 गोल्ड। और इस बार हमने ओलंपिक्स में क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता था। इंडियाज गोल्ड इन वर्ल्ड कप 1975 अगेंस्ट पाकिस्तान, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा इंडिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी बार पूछा जाता है जो आपके टर्म्स वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, टर्म्स कप्स, सुल्तान अजलन शाह कप रिलेटेड टू, बेसिकली टू हॉकी बोल रहे हैं हम यहाँ पर, अजलन शाह कप, आगा खान कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ऑल रिलेटेड टू हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, स्टैनली कप, इंदिरा गोल्ड कप, रंगस्वामी कप, यादवेंद्रा कप, गुरु नानक कप, ऑल रिलेटेड टू हॉकी। टर्म्स जो हॉकी से रिलेटेड है आपकी, बुली, हैट्रिक, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्रोक, स्ट्राइकिंग सर्कल, पेनल्टी कॉर्नर, अंडर कटिंग, स्कूप, सेंटर फॉरवर्ड, कैरी, ड्रिबल, गोल, कैरीड स्टिक, कैरीड स्टिक, टाई ब्रेकर, सडन डेथ। ओके, तो बुली, हैट्रिक, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्रोक, स्ट्राइकिंग सर्कल, पेनल्टी कॉर्नर, अंडर कटिंग, स्कूप, सेंटर फॉरवर्ड, कैरी, ड्रिबल, गोल, कैरीड स्टिक, टाई ब्रेकर एंड सडन डेथ। अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें, कबड्डी, ठीक है, बोनस लाइन, कॉर्नर, कवर, रेड, टिकल, तो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज। खो खो के अंदर चेजर, फाउल, आउट, पोल बाय, रनर। गोल्फ के अंदर अगर हम देखें आपकी, गोल्फ के अंदर बंकर, होल, बोगी, पुट, स्टिमी पे पूछा गया था एग्जाम में, कैडी जो आपकी सामान को लेकर चलता है आपकी गोल्फ के, टी, लिंक्स, पुटिंग द ग्रीन, डबल ईगल, डब। पोलो के अंदर आपका ब्लंडर, चकर, मैलेट। बैडमिंटन में सर्विस, डू, स्मैश, ड्रॉप, लेट, गेम, लव, डबल फॉल्ट, फिंट एंड लेअप। ठीक है, तो बैडमिंटन में सर्विस, ड्यूस, स्मैश, ड्रॉप, लेट, गेम, लव, डबल फॉल्ट, फिंट एंड लेअप। उसी तरह आते हैं बॉक्सिंग के ऊपर, नॉकआउट, पंच, अपर कट, किडनी पंच, ब्लीडर, बोलो पंच, बाउट, बकल, कैनवस, हेमेकर, लिवर शॉट, मॉलर, प्लॉडर, रफ हाउसिंग, साउथ पॉ, स्पार, स्टेबल मेट, वॉकआउट बाउट, विस्कस। साउथ पॉ तो आपकी मूवी भी है, ठीक है, आई थिंक इट इज अ मूवी। ठीक है, शूटिंग, प्लग, बैक, स्कीट, बुलसाई,
रेसलिंग में फ्री स्टाइल, इलीगल होल्ड, नियर फॉल, क्लैंपिंग, हेलन नेल्सन हीव। वॉलीबॉल में एंटीना, अटैक हिट, ब्लॉक, ब्लॉकिंग, डूस, बूस्टर, ड्रिबलिंग, लिबेरो, सर्विस, सर्विस सेटअप, स्मैश, स्पाइकर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्सिंग, नॉकआउट पंच, अपरकट, किडनी पंच, ब्लीडर, बोलो पंच, बाउट, बकल, कैनवस, हेमेकर, लीवर, शॉट, मोलर, प्लॉडर, रफ हाउसिंग, साउथ पोस, स्पार, स्टेबल मेट, वॉकआउट, बाउट, विस्कर, शूटिंग, प्लग, बैक स्कीट, बुलजाई, रेसलिंग फ्री स्टाइल, इलीगल होल्ड, नियर फॉल, क्लैंपिंग, हेल नेल्सन हीव। वॉलीबॉल एंटेना, एंटेना हिट, ब्लॉक, ब्लॉकिंग, डूस, बूस्टर, ड्रिबलिंग, लिबेरो, सर्विस, सर्विस सेटअप, स्मैश, स्पाइकर। तो ध्यान में रखना है इनको। उसी तरीके से अगर हम चलें टेबल टेनिस में, लेट, सर्विस, स्मैश, ड्रॉप, ड्यूस एंड स्पिन। चेस के अंदर गैम्बिट, क्वींस गैम्बिट एक सीरीज भी आई है, चेकमेट, स्टेलमेट, चेक, बिशप एंड कैसल। बिलियर्ड्स में जिगर, ब्रेक, स्क्रैच, कैनन, स्पॉट, क्यू, इन बॉल, बॉल्टिंग, पुल। बास्केटबॉल में कॉमन, कॉमन फाउल, डंक, फ्री थ्रो, फ्रंट, हेल्ड बॉल, लेअप, ओवरहेड, पिवट, रीबाउंड, स्टील, टेक्निकल फाउल, ट्रैवलिंग। ओके, सो अगेन रिपीटिंग, टेबल, लेट, सर्विस, स्मैश, ड्रॉप, डू, स्पिन, चेस, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, चेक, बिशप एंड कैसल। कैसल बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स के अंदर आपका जिगर, ब्रेक, स्क्रैच, कैनन, स्पॉट, क्यू, इन बॉल, बोल्टिंग, पुल। बास्केटबॉल में कॉमन फाउल, डंक, फ्री थ्रो, फ्रंट, हेल्ड बॉल, लेअप, ओवरहेड, पिवट, रीबाउंड, स्टील, टेक्निकल फाउल एंड ट्रैवलिंग। ओके, उसके बाद आते हैं हम हॉर्स रेसिंग के अंदर, विन, प्रोटेस्ट, पंटर, जॉकी एंड प्लेस। एथलेटिक्स के अंदर रिले, ट्रैक, रिले, ट्रैक लेन, फोटो फिनिश, हर्डल्स, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री। बेसबॉल के अंदर डायमंड, बंटिंग, पिचर, स्ट्राइक, होम रन, पुट आउट। ठीक है, तो बेसबॉल में डायमंड, बंटिंग, पिचर, स्ट्राइक, होम रन, पुट आउट। एथलेटिक्स में रिले, ट्रैक लेन, फोटो फिनिश, हर्डल, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री। बेसबॉल डायमंड, बंटिंग, पिचर, स्ट्राइक, होम रन, पुट आउट। हॉर्स रेसिंग में वेन, प्रोटेस्ट, पंटिंग, जॉकी एंड प्लेस। अदर कप्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, तो बैडमिंटन से रिलेटेड कौन कौन से कप्स हैं? मलेशियन ओपन, थॉमस कप, मेन उबर कप, विमेन अमृत दीवान कप, एशिया कप, चड्डा कप, यूरोपियन कप, सोफिया कप और नारांग कप। ठीक है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड कप हो गए, इसको ध्यान में रखना। उबर कप विमेन है और थॉमस कप मेन है, थॉमस कप मेन, उबर कप विमेन। टेबल टेनिस के लिए ट्रावनकोर कप विमेन का है, स्वेदिंग कप, बामा बेलिक कप, रामानुजन ट्रॉफी और जयलक्ष्मी कप। गोल्फ की अगर हम बात करें तो गोल्फ में कनाडा कप, राइडर कप, ये एग्जाम में पूछा गया है, वॉकर कप, मुथैया गोल्ड कप। पोलो के अंदर हम बात करें तो राधा मोहन कप, प्रीति सिंह कप, विंचेस्टर कप एंड इर्जा कप। रोइंग के अंदर आपकी वेलिंगटन ट्रॉफी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो बोट चलाने वाली रोइंग। बिलियार्ड्स में आपकी आर्थर वॉकर कप। ठीक है, बुक्स बाय स्पोर्ट पर्सन, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है सानिया मिर्जा ने। ठीक है, सानिया मिर्जा पर है एस अगेंस्ट ऑड्स। प्लेइंग टू विन इज साइना नेहवाल, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर, अ शॉट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड अभिनव बिंद्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है, जो आपकी बैडमिंटन प्लेयर है। सानिया मिर्जा जो टेनिस प्लेयर है उनकी एस अगेंस्ट ऑड्स है, और प्लेइंग इट माय वे आपके गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर साहब की है, और शॉर्ट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू विन ओलंपिक गोल्ड अभिनव बिंद्रा साहब की है। अनब्रेकेबल आपकी मैरी कॉम बॉक्सर की है, द रेस ऑफ माय लाइफ लेट मिल्खा सिंह साहब की है, गोल मेजर ध्यानचंद साहब की है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह पर है, सनी डेज, आइडल रन्स एंड रोइन सुनील गवास्कर पे है, वाइड एंगल अनिल कुंबले पे है। अनब्रेकेबल आपकी बॉक्सर मेरी कॉम पर, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह पर, गोल मेजर ध्यानचंद साहब पे, बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन अरुणिमा सिन्हा पे, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, सनी डेज, आइडल रन्स एंड रोइंस सुनील गवास्कर, वाइड एंगल अनिल कुंबले। अनगार्डर आपकी मिथाली राज पे, क्रिकेटर पर, माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट वन टू रिमेंबर। ठीक है, चेस माइंड मास्टर, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी उसेन बोल्ट, फास्टर देन लाइटनिंग, ये तो बिल्कुल आपको फ्लैश की याद दिला रहा है किसी भागने वाले पे, और वो उसेन बोल्ट ही होंगे। नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड माइकल फ्लेप्स,
ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, जस्ट अ सेक गाइस, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, नो लिमिट्स विल टू सक्सीड माइकल फ्लैप्स, माइकल फ्लैप्स स्विमिंग, और इनके पास वो मैक्सिमम मेडल्स वाला भी हमने पढ़ा था पहले फैक्ट, फास्टर देन लाइटनिंग स्टोरी लाइटिंग माई स्टोरी उसेन बोल्ट। सो अब नेक्स्ट आते हैं हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के ऊपर, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, बट 2021 के अंदर ओलंपिक्स के बाद आपने देखा होगा इस अवार्ड का नाम बदल दिया गया था, तो खेल रत्न अवार्ड इज नाउ नोन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, फॉर्मली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट एंड गेम्स, एंड इट इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। इट इज अवार्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, जस्ट रिमेंबर इट। और ये आपका यहाँ पे जिसपे तो राजीव गांधी लिखा हुआ है, इस तरीके से मेडल दिखता है। पिछली बार एक वायरल इमेज चल गई थी जिसके अंदर वो परमवीर चक्र का फोटो लगा के सबने ट्विटर पे शेयर कर दिया था, वो परमवीर चक्र है, वो खेल रत्न नहीं है, खेल रत्न है सेपरेट। तो खेल रत्न अवार्ड ऑफिशियली नोन एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। उसके बाद इट वॉज स्टार्टेड इन 1992, ठीक है। फर्स्ट रेसिपियंट इसके थे विश्वनाथ आनंद, मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट रेसिपियंट में विश्वनाथन आनंद 1992 में स्टार्ट हुआ था, पहला विश्वनाथन आनंद को मिला। फर्स्ट वुमेन रेसिपियंट थी कर्णम मलेश्वरी वेटलिफ्टिंग, कर्णम मलेश्वरी ने ओलंपिक में मेडल जीता था, फर्स्ट वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल फॉर अस। रेसिपियंट ऑफ खेल रत्न 2020 कौन थे, रोहित शर्मा क्रिकेट का, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश रेसलिंग एंड मिस रानी हॉकी, ठीक है। तो रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पा टी पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश विनेश फोगाट आपकी रेसलिंग, ठीक है, और रानी आपकी हॉकी, ठीक है, विनेश फोगाट रेसलिंग, मिस रानी हॉकी। और ये ध्यान में रखना, अभी मनिका बत्रा वॉज इन न्यूज बिकॉज उन्होंने अभी रिसेंटली ही वो नेशनल वॉर मेमोरियल्स गई थी टू पे हर ट्रिब्यूट टू दी मार्टियर्स एट दी नेशनल वॉर मेमोरियल। उसके बाद 2021 के खेल रत्न अवार्डीज को भी देख ले, नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के लिए, रवि कुमार दहिया को फ्री स्टाइल रेसलिंग, लवलीना बोरगेन को बॉक्सिंग, पी आर श्रीजेश को हॉकी के लिए, अवनी लेखारा को पैरालंपिक शूटिंग के लिए, सुमित अंटिल को पैरा एथलेटिक्स के लिए, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नारवाल पैरालंपिक शूटिंग, मिथाली लाज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल एंड मनप्रीत सिंह हॉकी, वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार फ्री स्टाइल रेसलिंग, लोवलीना बोरगेन बॉक्सिंग, पी आर सृजेश हॉकिंग, अवनी लेखारा पैरालंपिक शूटिंग, सुमित अंटिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवर पैरालंपिक शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह का हॉकी के लिए। अब आते हैं अगले पे, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफिशियली नोन एज द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट एंड गेम्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड आपके, जैसे द्रोणाचार्य कौन था, गुरुजी थे आपके किसके, पांडवों और कौरवों के दोनों के लिए। और जैसे अर्जुन का आपने सुना होगा, वो अपने आप को द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन कहते थे, ठीक है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ओके। तो इट इज स्पोर्टिंग कोचिंग ऑनर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द्रोणा, ऑफन रेफर्ड एज द्रोणाचार्य और गुरु द्रोणा, अ कैरेक्टर ऑफ संस्कृत एपिक महाभारत ऑफ एंशियंट इंडिया। और इस आपको अवार्ड को भी यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1985 के अंदर, ध्यान में रखा जाएगा। पूरा है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट एंड गेम्स, यानी कि जो आपके कोचेज है उनको दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका अर्जुन अवार्ड का सिंबल है, ठीक है, जो ट्रॉफी आई बेग योर पार्डन। अर्जुन अवार्ड ऑफिशियली नोन एज अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट एंड गेम्स, ठीक है। तो ये किसके लिए, आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट और गेम में, इज द सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया आफ्टर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, उसके बाद सेकेंड है ये स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट बीइंग खेल रत्न अवार्ड। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर अर्जुना, वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द संस्कृत एपिक महाभारत, महाभारत ऑफ एंशियंट इंडिया। तो अर्जुन यहाँ पर आ गया, और द्रोण का द्रोणाचार्य अवार्ड हमने पहले पढ़ा, फर्स्ट अवार्डेड इन 1961, ये पहली बार अवार्ड करा गया था 1985 में द्रोणाचार्य, और अर्जुन अवार्ड हो गया था 1961 में, ठीक है। तो इसी के साथ पूरी की पूरी हमने करीबन हमारा ये 1 घंटे का सेशन रहा है, जिसके अंदर हमने पूरा स्पोर्ट्स कवर कर लिया है, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। टेलीग्राम और बाकी इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, CDS
एफ कैट, एनडीए, सीएपीएफ एंड ऑल द डिफेंस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू ज्वाइन इट. इस वीडियो को डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल. ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद.